कोरोना काल में हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी सरकार का अमानवीय संवेदनहीन व तानाशाही चेहरा आया सामने। ताजा मामला 1983 बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों से जुड़ा हुआ है, जहां एक तरफ हरियाणा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं खट्टर व दुष्यंत के राज में हरियाणा की बेटियों को अपना रोजगार बचाने के लिए सांसद के पावों में अपने दुपट्टे तक रखने पड़ रहे हैं, पर सरकार है कि अपने तानाशाही रवैये पर चल रही है और 23 अगस्त को किसी भी हाल में एग्जाम कराना चाहती है। इसके लिए चाहे किसी की जिंदगी को खतरे में ही क्यों न डालना पड़े। वर्तमान में हरियाणा में रोजाना सैकड़ों कोरोना मरीज मिल रहे हैं और हटाए गए कई पीटीआई टीचर्स भी कोरोना से संक्रमित हैं और हॉस्पिटल में भर्ती भी हैं। और एक महिला अध्यापक रेखा तो कैंसर से भी पीड़ित है, जो अपने जीवन की लड़ाई लड़ रही है। लगभग 40 अध्यापकों की मौत भी हो गई है। अब ये लोग कैसे एग्जाम देंगे, इसके लिए हरियाणा सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सभी मानवीय संवेदना को भूलकर सरकार सिर्फ एग्जाम कराना चाहती है। इसके लिए चाहे कितनी ही जिंदगियों को खतरे में क्यों ना डालना पड़ जाए। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए हिसार हरियाणा से कुलदीप सिंह की खास रिपोर्ट। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता।